नमस्कार दोस्तों, राघव आर्य मेरा आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी C3 के अंदर एड्स आता है कि नहीं आता है इसके बारे में, और साथ में अगर एड्स आता है तो उसको कैसे डिसेबल कर सकते हो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एड्स आता है कि नहीं आता है। तो जाते हैं फ़ोन मैनेजर पर और यहाँ पर हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और जो ऑप्टिमाइज वाला पेज है वहाँ पर हम देखेंगे कि एड आता है कि नहीं आता है। तो सीधा हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस वगैरह है वो ऑप्टिमाइज़ हो रहे हैं, और फाइनल पेज पे यहाँ पे ऐड आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रीम इलेवन का एक ऐड आ रहा है। तो एक तो ऐड हमने चेक कर लिया, अब हम जाएंगे सीधा प्ले स्टोर के अंदर और किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि जो फाइनल सिक्योरिटी चेक वाला पेज आता है वहाँ पर ऐड आता है कि नहीं आता है। तो सीधा हम कोई एक ऐप डाउनलोड करते हैं, इस वाले ऐप को डाउनलोड करते हैं जो कि 36 KB का मैनुअल कैमरा का, जो मतलब जो कैमरा टू API है उसको चेक करने के लिए इस ऐप को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सिक्योरिटी चेकिंग वाला पेज है यहाँ पे फिलहाल ऐड नहीं आया। अब यहाँ पर जो एड्स है वो रैंडमली आता है, कभी कभार आ जाता है और कभी कभार नहीं भी आता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक वाले पेज में तो ऐड नहीं आया, लेकिन फ़ोन मैनेजर के अंदर जो ऑप्टिमाइज वाला सेशन है वहाँ पे ऐड आ चुका था। अब इसको ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले चले जाओ अपने फ़ोन के सेटिंग में, और उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा पहुँच जाओगे इस वाले पेज के अंदर। फिर नीचे आपको गेट रिकमेंडेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसको बस आपको ऑफ करना है। जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे जो एड्स है वो गायब हो जाएंगे, इसके बाद आपको कोई भी एड्स आपके फ़ोन में शो नहीं करने वाला है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।